बेटा हम बहुत परेशान हो रहे हैं, इसमें पिलनी का जोड़ है जो उसका पानी इकट्ठा कर कर पाइप लाइन दबुआ रखी है, उस 30 में गंदा पानी छोड़ रखे उसका, वो हमारे खेतों में दवा सारी फसल बर्बाद कर दी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हरियाणा सरकार। क्यों रे भाई साहब, यह सरकारी नहर है जो इसमें हमारे खेतों में पानी जावा खंड के द्वारा, इसमें मतलब 3 साल तक हम बहुत परेशान हो रहे हैं, इसमें पिलनी का जोड़ है जो उसका पानी इकट्ठा कर कर पाइप लाइन दबुआ रखी है, उस 30 में गंदा पानी छोड़ रखे उसका, वो हमारे खेतों में दवा सारी फसल बर्बाद कर दी। 3 साल हो गए के मतलब तो हमने बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से साफ करा, पंचायत भी कर ली, बात कर ली, अधिकारियों से भी बात कर ली, कोई अधिकारी नहीं मारा मतलब सुनदा इसके बारे में, और इसमें कंच भी है भाई साहब, फसलों का भी बहुत नुकसान हो लिया, हमारा प्योद बोर के प्योदा का भी बहुत नुकसान हो लिया, पंचायत ने कोई केयर करी, हमारा पिलनी मतलब सरपंच से भी मिलने गए थे हम, सरपंच बोले हमारे पास कोई समाधान नहीं चीज का। पिछले 3 साल से चली हुई है भाई साहब, ये हमारी नहर की खंड है, इसके अंदर गांव पिलनी से एक गंदा नाला इसमें अंदर छोड़ दिया हुआ है, और उस जोड़ में गांव का जो टॉयलेट बाथरूम का गंदा पानी है, इसमें बड़ी बुरी स्मेल आती है, जिससे हमारी फसलें भी बर्बाद होती है और खुद हम भी बीमार हो जाते हैं, इसमें हर साल हमें इसी तरह से ये सफाई करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ की पंचायत के कोई जू नहीं रेंग रही, कई बार हम उनसे मिल चुके हैं लेकिन वही यहाँ पर छोड़ रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी अधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अधिकारियों से मिलो इस समस्या को लेके। हाँ, कई बार बोल लिया भी है भाई साहब, लेकिन कोई भी इस पर हल नहीं कर रहा है इस चीज़ का।